अभी गर्मियों के सीजन में काफी बिकता है क्योंकि यहाँ के लोग इसको रस के साथ खाते हैं। हाँ, तो आम रस के साथ ये लोग घर पे पार्सल ले जाते हैं। हाँ, ये चीज वाला सैंडविच कह सकते हैं। टेस्ट ऑफ गुजरात, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। हाय गाइस, तरने दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी और आज आपको हम लोग दिखा रहे हैं वडोदरा का बहुत बढ़िया वाला नाश्ते स्नैक्स जो मर्जी बोलो। अब आपको जैसे बोला था ना गुजराती फरसान की चीजें दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, हांडवो खाएंगे, खीचू खाएंगे, ढोकला खाएंगे, अलग अलग वैरायटीज खाएंगे। सामने देखो कहाँ पे आए हैं, क्या चीज है, अभी समझते हैं सारी चीजें। गुजराती हांडवा होता है बेटा जी, वो बनाने जाते हैं। पहले आप अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम सरिता है बेटा जी। और प्यार से आपको क्या बुलाते हैं? मुझे आंटी कहता है, कोई मासी कहता है बेटा जी, जिसको मासी का ढोकला है। इसका प्रॉपर एड्रेस है? इसका एड्रेस है, आपको आना है ओपी रोड, माधव नगर सोसाइटी के पास में, वार्ड नंबर 6 की गली, और PF ऑफिस के सामने के साइड पे आना है बेटा जी आपको। शाम का टाइम हो रखा है, टाइमिंग आपके शाम को रहते हैं? हाँ, सिर्फ शाम को रहता है बेटा जी, सुबह नहीं रहता क्योंकि हम लोग पूरा जो मटेरियल प्रिपरेशन टाइम कर रहा लगता है बेटा जी। ये हम वेजिटेबल हांडवा बना रहे हैं, एक हमारा भी इसमें लगा दीजिए। हाँ, आपका ही बना रहे हैं बेटा जी, आपका भी बना देंगे, कस्टमर का भी ऑर्डर का है। ये सारी मिक्स वेजिटेबल्स है और ये स्वीट कॉर्न है, उसमें मेथी है, सब कुछ है अंदर, और इसमें मसाला गिरा हुआ है। क्या प्राइस रहता है इसका? इसका ये एक पीस का 40 रुपीस होता है बेटा। हाँ, एक जो पिज्जा का पीस आता है ना, वो पीस का 40 रुपीस होता है बेटा जी। ढोकले बन रहे हैं? हाँ, ये ढोकले भी बन रहे हैं। ढोकले में बहुत सारी फ्लेवर है, चीज ढोकला है, सैंडविच ढोकला है, चीज मायो ढोकला है। तो मासी, किसी ने अगर हांडवो नहीं खाया हो उसको कैसे समझाओ क्या है? अगर हाँ, तो जो गुजराती हैं उनको तो पता है कि ये है, जो बाहर के हैं इसको 15 मिनट लगेगा बेटा एक तरफ से पकने में। उनके लिए बताइए सर। हाँ, माहौल बड़ा अच्छा बना हाँ बेटा जी। बता रहे थे आप हांडवो क्या होता है? हांडवा अगर जो नहीं जानता उसको मैं इस तरह खिलाती हूँ कि देसी केक। ये देसी केक है हमारा, पहली बार बनाया था तो मैंने बोला ना नमकीन केक है, गुजराती नमकीन केक है। राइट। केक बेटा जी हम लोग मैदा का बनाते हैं। अच्छा, और ये हमारा 7 तरह का अनाज आता है, उसको मिक्स करके ये बनाया जाता है। सिर्फ बेसन से नहीं बनता, और भी नहीं, और चीजें होती है अनाज आता है इसमें, जैसे ज्वारा, मक्का, बजरी और चना दाल। अच्छा, चावल ऐसा हो, उड़द, बहुत सारा। और क्या खिलाओगे आप? अब मैं चीज ढोकला बनाने जा रही हूँ। हाँ, ये देखिए बेटा, ये इदड़ा है, अभी गर्मियों के सीजन में काफी बिकता है क्योंकि यहाँ के लोग इसको रस के साथ खाते हैं, केरी आमरस। हाँ, तो आम रस के साथ ये लोग घर पे पार्सल ले जाते हैं। यहाँ तो लोग चटनियों के साथ खाते हैं, लेकिन ये गर्मी, हाँ, जब आपके यहाँ आम रस बनेगा तो वो ये इदड़ा जरूर पार्सल जाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे हम इसको पुदीने की चटनी। और इसका क्या प्राइस है? ये 40 रुपीस का है काना जी। अच्छा। हाँ, थोड़ा लाल चटनी डालिए, लहसुन वाली है, सत्या। हमें भी ना आप अपने हिसाब से कोई 2-3 वैरायटी खिलाइए। हाँ बिल्कुल, जो आपको पसंद आए मैं खिलाऊंगी बेटा जी। चीज वाला ढोकला है? यस, चीज ढोकला। कैसे एकदम अलग अलग हो रखा है? हाँ, ये 2-in-1 है बेटा जी। अच्छा। ये सैंडविच है। हाँ। और ये चीज ढोकला है। अच्छा। हाँ, क्या सही है, ये सारी आप ही की। हाँ, ये हम रात को मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए क्या बनाऊं। कितनी टोटल है ये चीजों की? मेरे पास 6 प्रकार का फ्यूजन ढोकले हैं। हाँ, और सादा ये येलो और व्हाइट जो आपको मैंने बताया। कितना टाइम हुआ इसको शुरू करे? मैं ऐसे तो 22 इयर्स हो गए इस पापड़ी का लोट को बेचते हुए, लेकिन बेटा शुरुआत की थी पापड़ी के लोट और पंजाबी हांडवा से। पापड़ी का लोट भी आपका खाने आए? हाँ, बोलते हैं। हाँ, खिचू कहते हैं। मैंने कभी नहीं खाया। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, वो पापड़ी का लोट और एक जो पंजाबी हांडवा है मेरा। हाँ, वो आप खाइएगा बेटा, बड़ोड़ा में बहुत ही, हाँ बहुत बढ़िया है वो। हाँ, ये हेल्दी है एकदम, मस्त
चीज ढोकला दो है ना बेटा जी? ओके मेरा भी एक गिननी थी आपका भी गिननी ओके तीन चीज ढोकला ठीक है भी घर पे बनती है चटनी से लेके सब कुछ है बेटा ये लाल मिर्च है और नहीं ये लहसुन का फ्लेवर है क्योंकि सूखा हाँ क्योंकि अंदर लहसुन ऐड नहीं करते हम लोग क्योंकि किसी ऊपर से ऊपर नहीं खाना हाँ यहाँ स्वामीनारायण जैन सब रहता है ना बेटा जी इसके अंदर चीज का चीज का लिक्विड चीज है पनीर है और स्वीट कॉर्न है बेटा अच्छा सब ये सैंडविच जो आप बोल रहे थे वो चीज नहीं ये सैंडविच यहाँ है इनको तो यही सैंडविच लग रहा है हाँ ये चीज वाला सैंडविच कह सकते हैं हाँ बेटा जी ये चीज सैंडविच कह सकते हैं प्रॉपर सैंडविच वो है बेटा जी उसमें क्या दाम है ये भी ये 80 रुपए का है बेटा क्योंकि चीज के साथ है ये ठीक है और ये क्या है इसका वजन बढ़ जाता है ना बेटा जी हाँ ये लगभग 450 ग्राम तक का बनता है ये अच्छा 3 लेयर होता है ना इसलिए एक केक के साइज का है हाँ, एक छोटा केक के साइज का 80 रुपए हम नहीं देगा लेकिन कोई नहीं देता केक एक माँ खिला सकती है लेकिन ना सही बात है कितने टाइमिंग क्या रहते हैं आपके मेरा शाम को 5 से 11 बजे तक अच्छा जब दुनिया में मैं नहीं रहूंगी तो आप लोग याद तो कर पाएंगे इसलिए खिला रहे हैं कि हाँ यहाँ एक जगह कोई आंटी रहती थी हमें खिलाती थी और अपना वो खीचू भी खिलाइएगा हाँ बिल्कुल वो मैं ये खाएंगे एक खीचू खाएंगे और एक हांडवो खाएंगे ठीक है कोई बात नहीं उसके बाद अगर आपको लगे कोई ये चीज मिस नहीं करनी चाहिए तो वो आप बताना मैं पंजाबी हांडवा का बोली ना पंजाबी हांडवा तो वही बन रहा है वो रेडी रहता है बेटा वो मेरा वो 4-5 घंटा लगता है ये गुजराती हांडवा है ये ट्रेडिशनल है ट्रेडिशनल हाँ ये और जो पंजाबी चटपटा रहेगा नहीं वो हमने लॉन्च की हमने खुद बनाई हुई चीज है वो आपको बाहर नहीं मिलेगी आपने आजकल के बच्चों के हिसाब से बनाई है वेजिटेबल नहीं खाते ना इसलिए उसको बताने का नहीं कि वेजिटेबल वाले तो बोलेंगे नहीं नहीं वो नहीं चाहिए राइस फ्लोर का होता है बेटा चावल के आटों से बनता है ये बगाड़ते हैं नहीं नहीं 100 डिग्री बॉयल पानी में सारे मसाले डाल के इसको आटा गूंदा जाता है और फिर उसको स्टीम दी जाती है बेटा हाँ थैंक यू बेटा ये टोटली स्टीम है बेटा जी अगर आप देखने जाए तो ये बहुत हेल्दी है हाँ टोटली बॉयल आइटम है एक खिचू इधर भी है एक ग्राउंडनट ऑयल है इसमें ग्राउंडनट या चिल्ली का तेल बस दो ही चीज यूज होती है और इसको फिर वो कैसे चटपटा बनाने के 100 चीजें हैं बनाने के लिए मैं अभी ये दूसरा बता रही हूँ ये मीडियम ऑर्डर है हाँ एक हमारा तीन फ्लेवर है इसमें हाँ ये सादा हो गया हाँ ये मीडियम हो गया हाँ और एक अभी मैं मस्त बना रही हूँ ये आप हमारा बना रहे हो ये थोड़ा तीखा खाना हो जैसे हाँ वैसे ही एक पापड़ी नूडल्स एक पंजाबी हांडवो और एक वो जो आपने वो लगाया बिल्कुल वो भैया का है बैग वाले भैया है ना उनका है ए छोटू दोना दीजिए 80 रुपीस बेटा जी जल्दी खाना जी धनिया दीजिए थोड़ा सा ये हो गया बेटा जी मसाला दो जी थैंक यू अब पंजाबी हांडवा भी इसी लगा हाँ ऐसे ही लगा दीजिए इसमें आटा नहीं होता किसी भी जात का बेटा जी टोटली स्वीट कॉर्न सादा वो जो भैया बोला एक सादा लोट एक मसाला लोट पैक खाने को दे दीजिए बच्चे समझ न पाए इसके लिए इसको कवर अप कर देंगे बच्चों को खिलाना बहुत भारी है भाई ये देखिए टेस्ट करते हैं पापड़ी नू लोट वाह यार कमाल की चीज़ है एक और बार खाते हैं टेस्ट में ना एकदम ऐसे क्या बताऊँ पेस्ट है पूरा और मूंगफली का तेल और जो गार्लिक वाला चटनी डाल के ना मस्त बना दिया इसको अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने सूरत में खाया था बढ़िया वाले लोचो ये उसी का ही राइस वाला भाई लग रहा है दूर दूर से ना ये है हांडवो पंजाबी हांडवो बनते हुए देखा दैट वॉज ऑथेंटिक गुजराती हांडवो उसकी प्रेजेंटेशन भी थोड़ी अलग होगी ये मेरे को बताया गया है कि वैसा वाला हांडवो है इसके अंदर सब्जियां भरी हुई है और बच्चों जो सब्जियां नहीं खाते तुम्हारे लिए ये छुपा के खिला रही है सब्जियां एकदम ही अलग टेस्ट है इसका पंजाबी हांडवो कॉर्न्स वगैरह डाल डूल के ना थोड़ा टैंगी है और अब ये लास्ट चीज पे आते हैं ये एक तो हम लोगों ने लिया था चीज वाला ढोकला जिसके अंदर चीज है पूरा ये देखो चीज ही चीज है मेरे को तो यही सैंडविच लग रहा था फिर कहते हैं नहीं सैंडविच वाला अलग है
थोड़ा सा चटनी में डिप करता हूँ इसको, और ये लेते हैं टेस्ट, द टेस्ट ऑफ गुजरात। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, एक और टेस्ट लेते हैं, क्योंकि चटनियाँ तो बहुत टेस्टी थी पर ओवर पावरिंग हो गया। सिर्फ और सिर्फ इसका टेस्ट लेते हैं। चीज से ना एकदम क्रीमी सा टेक्स्चर आ रहा है। और ये वाला आपको दिखाता हूँ, ये है सैंडविच वाला, देखो अंदर इसके स्टफिंग हो रखी है। नाइस, प्रॉपर सैंडविच ढोकला जो इनका है। इसको टेस्ट करते हैं, आई थिंक इसके साथ तो चटनी की जरूरत नहीं है। नाइस, हरी चटनी डाल डूल के बढ़िया लग रहा है यार, मजा आया। गुजराती टच में चीजें। अच्छा, हंडवो रेडी हो गया, ये आपका गुजराती हंडवो भी रेडी हो गया। हाँ, देसी केक है। हंडवो कैसे सर्व होता है, वही चटनी वगैरह के साथ? हरी चटनी, पुदीने की चटनी साथ, अगर घर पे बनता है तो चाय के साथ। डॉक्टर कस्टमर है वो यही कहता है, आप जग में भर के रखिए ना आंटी चाय, हम लोग थर्मस में रखिए ना। हाँ, ये भी सही है। और कोई है ढोकला? ये जो ऑथेंटिक गुजराती हांडवो बन रहा था ना, उसका भी एक पोर्शन आ गया। ये देखो, ये होता है हांडवो, तिल नीचे लगा हुआ, नीचे क्रिस्पी एकदम, चटनी लेके। और इसके बाद वीडियो एंड करेंगे, वीडियो एंड कर चुके थे, वो वाला शॉट आप बाद में देखोगे। वो पंजाबी वाला हांडवो अच्छा था, बट दिस इज़ अनबीटेबल, ये टेस्ट ही नहीं है कहीं। जैसे मौसी ने बोला, क्या ये नमकीन केक। अब वीडियो एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वेजी बाजी को सब्सक्राइब करना, बढ़िया बढ़िया खाना आता है। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो में, कुछ और बढ़िया आपको वेज खाना दिखाते हुए। बाय बाय।